हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि जैसे कि रेनी डे है, बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में तालाबों में ऑक्सीजन शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होता है। तो फार्मर को ये बताया जाता है कि आप अपने फार्म पे ऑक्सीजन टैबलेट या ऑक्सीजन पाउडर रखना अनिवार्य है, खासकर इन तीन महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में। हो किसान भाइयों, अगर मान लीजिए किसी फार्मर के पास ऑक्सीजन टैबलेट नहीं है और सुबह सुबह उसके तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, तो उसे क्या करना चाहिए, आज हम आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन टैबलेट पाउडर नहीं है, तालाब में मछलियाँ ऊपर आके सांस ले रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मछली पालन में कहा जाता है कि अगर घाटा लगेगा तो बहुत घाटा, 10% 20%, किसी भी बिजनेस में घाटा कैसे लगता है, 10% घाटा लग गया, 20% 30% लग गया। लेकिन मछली पालन में अगर ऑक्सीजन की कमी से आपकी मछलियां मरती हैं, मान लीजिए आपके तालाब में 3 ppm ऑक्सीजन है, तो क्या होता है, 3 ppm मछलियों के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो मछली ऊपर आकर के सांस लेती है। बाय द वे, अगर ऑक्सीजन 2 ppm चलाया तो सडनली तालाब की सारी मछलियां मर जाती है, तो उसमें लॉस क्या होता है, उसमें 100% लॉस होता है। वो मछली, मरी हुई मछली जल्दी कोई बिकती भी नहीं है, जल्दी कोई परचेस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये जहर से या पॉइजन वगैरह से मरी है। तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है मछली पालन में ऑक्सीजन की कमी से या फिर पॉइजन डालने से, जो मछली का डेथ होता है उससे। तो अगर आपके तालाब में मान लीजिए भोर में 4 बजे 5 बजे ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सडनली आपको क्या करना चाहिए, उसमें पानी को एरिएट करना चाहिए। जैसे आपके पास अगर मोटर है, टुल्लू पंप है, जो भी है, ब्लोवर है, जो भी है, समरसेबल पंप है, उसको हमें उसमें चलाना चाहिए। रिसर्कुलेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आउटलेट इनलेट की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसमें रिसर्कुलेशन करिए। रिसर्कुलेशन मतलब उसी तालाब का पानी कम से कम 7 फुट 8 फुट ऊपर से फिर उसी तालाब में गिराइए, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का भी व्यवस्था आपके फार्म पे नहीं है, तो घरेलू जो उपचार है, आप क्या करिए, अपने कपड़े खोलिए और तालाब में कूद जाइए। 1-2 घंटे तक खूब पानी को तोड़िए, नहाइए, जितने लोग हो पाए, उतने लोग नहीं हो पा रहे हैं तो आप अकेले ही, जो पाउंड मालिक है वो खुद कूद जाए। 1-2 घंटे तक आप उसमें पानी को तोड़िए, कुछ राहत हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8-9 बजे तक धूप निकल गया तो फिर मछलियां बैठ जाएंगी। अगर धूप नहीं निकलता है और मौके से आपको ऑक्सीजन टेबलेट या पाउडर भी नहीं मिलता है, तो आप क्या करिए, उसमें चूने वगैरह का, चूने का प्रयोग करा दीजिए। फिर कहीं ना कहीं आप इमरजेंसी में ऑक्सीजन पाउडर या टेबलेट उसको ला करके फिर उसमें डालिए, आगे से इसको प्रॉपर मेंटेन करिए। और बरसात के दिनों में कोशिश करिए कि थोड़ा सा एरिएशन ज़्यादा चलाइए। जैसे मान लीजिए पैडल व्हील एरिएटर चलाता हो, या फिर ब्लोवर, या फिर 2 HP 2 HP 4 HP 5 HP, जो भी हो, पंप चलाते हो, आउटलेट इनलेट करते हो, रिसर्कुलेशन करते हो, जो भी करते हो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, इन 3 महीनों में थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो फार्मर अपने तालाब पे सुबह सुबह नहीं जाता है, इन 3 महीनों में उनका कंपलसरी है कि इन 3 महीनों में सुबह सुबह ज़रूर जाएं, क्योंकि आज एक दिन पहले आपकी हजारों लाखों की मछलियां अच्छे से सही से तालाब में रहेंगी, लेकिन अगले दिन हो सकता है ऑक्सीजन शॉर्टेज होने के बाद आपके तालाब में 1 रुपये की भी मछली जिंदा ना बचे। तो इस चीज़ पे ध्यान दें और अपने फार्म पे ऑक्सीजन पाउडर या ऑक्सीजन टेबलेट या फिर दोनों अनिवार्य इन 3 महीनों में ज़रूर रखें। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल
कर सकते हैं ऑक्सीजन की कमी को, ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने तालाब में। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। और किसान भाई, अगर मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर आपको मछली पालन की कोई भी मेडिसिन, जैसे ऑक्सीजन पाउडर, टेबलेट, जो भी हो, ग्रोथ बूस्टर वगैरह, किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर आपको किसी सीड फीड की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। तो किसान भाई, आपके लिए, आप अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।